चैप्टर नंबर 2, बिना बोले कैसे दिखे प्रभावशाली। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिना बोले ही अपनी बातें कह देते हैं। वो किस बात से सहमत हैं, किससे नहीं, इसके लिए उन्हें बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो अपनी आंखों और शरीर के हाव भाव से ही अपनी बातें लोगों के सामने रख देते हैं। हमें कई बार ये अंदाज़ा नहीं होता है कि लोग हमें किस नज़रिए से देखते होंगे। लेखिका लायन लाउंस के एक कार्टूनिस्ट दोस्त हैं रॉबर्ट, जो प्रसिद्ध पत्रिकाओं के लिए भाव से भरे कार्टून बनाते हैं। रॉबर्ट की एक खास आदत है, किसी क्लब जैसी जगहों पर बैठे होते हैं तब अपने आसपास बैठे अनजान लोगों के चित्र बनाकर उन्हें भेंट करते हैं। खास बात तो ये है कि वो ऐसा करते समय उन लोगों को बताते नहीं हैं कि वो उन लोगों का चित्र बना रहे हैं। चित्र पूरा होने के बाद जब रॉबर्ट उन व्यक्तियों का चित्र उन्हें देते हैं तो अक्सर लोग हैरान होकर कहते हैं, नहीं, इस तस्वीर में बनाया गया व्यक्ति वो नहीं है। उसी क्षण उनके आसपास के लोग कहते हैं, नहीं, ये तुम ही हो। आखिरकार क्यों बाकी लोगों ने किसी व्यक्ति के चित्र को ज़्यादा सटीक पाया है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसका चित्र रॉबर्ट ने बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति ने हमेशा खुद को अलग दृष्टिकोण से देखा है। जब रॉबर्ट ने उन लोगों को कागज़ पर उतारा तो उन व्यक्तियों को यकीन नहीं हुआ कि वो लोगों के सामने इस तरह का दिखता है। लेखिका ने जब रॉबर्ट से पूछा कि वो कैसे लोगों के भीतर छुपे उनके वास्तविक भाव को कागज़ पर उतार लेते हैं, तो उनका जवाब था, मैं उन्हें सिर्फ ध्यान से देखता हूँ, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। लेखिका को ये जवाब इतना रास नहीं आया। उन्होंने रॉबर्ट से फिर से पूछा कि यदि किसी व्यक्ति को आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्ति का चित्र बनाना है तो वो क्या करेगा। रॉबर्ट ने जवाब दिया कि ऐसा व्यक्ति हमेशा नज़र से नज़र मिलाकर बात करेगा, वो आत्मविश्वास से भरा होगा और मुस्कुराने का अंदाज भी लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। शानदार व्यक्तित्व के 9 नियम। लेखिका के एक और मित्र हैं कैरन, जो एक फर्नीचर डिज़ाइन कंपनी में काफ़ी अच्छे पद पर काम करती हैं। कैरन अपनी कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों में से एक है और कंपनी में उसके साथी कर्मचारियों के बीच काफ़ी अच्छी पहचान है। लेकिन कैरन की एक शिकायत है कि जब वो कंपनी से बाहर कहीं होती है तो वो खुद को अकेला महसूस करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस भीड़ में अपनी एक विशेष पहचान बनाए। आपको बता दें कि कैरन अकेली नहीं है जो इस चीज़ को अनुभव करती है, बल्कि अधिकतर लोग आजकल इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मगर क्या इसका कोई समाधान है? किस प्रकार हम सैकड़ों की भीड़ में अपना एक अलग स्थान बना सकते हैं और कैसे हम अपनी सकारात्मक छाप अपने आसपास के लोगों पर छोड़ सकते हैं? हो सकता है ये काम आपको बाहर से देखने पर बेहद मुश्किल लगे, लेकिन यदि आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि ये काम हर व्यक्ति कर सकता है। उसे बस ज़रूरत है कि वो 9 बेहद ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रखें। इनमें सबसे ऊपर आती है आपकी मुस्कुराहट। जी हाँ, आपके पूरे तत्व की शुरुआत ही मुस्कुराहट से होती है। इस मुस्कुराहट को यदि कोई बिना किसी संदर्भ को जाने इस्तेमाल करता है तो यही मुस्कुराहट उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को रूखा बनाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगाती। इसके अलावा मुस्कुराहट केवल एक प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग प्रकार के अवसरों पर आपको एक अलग प्रकार की मुस्कुराहट देनी पड़ती है जो उस अवसर के संदर्भ में सटीक बैठती हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में मुस्कुराहटों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? आपकी मुस्कान वास्तविक या झूठी और प्रभावित करने वाली भी या मजाक उड़ाने वाली भी होती है। लेकिन एक मित्र जिसका नाम मिसी है, वो अपने खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट से हर किसी का मनोरंजन किया करती थी। अपने पिता के देहांत के बाद जब मिसी ने उनका कारोबार संभालने की ठानी तब उसे कंपनी के ग्राहकों के साथ ही ज़रूरी मीटिंग करनी थी, लेकिन लेखिका खुद भी उस मीटिंग में मिसी के साथ थी। उन्हें मिसी को देखकर लगा कि उसकी मुस्कुराहट उन ग्राहकों को खलने न लग जाए, लेकिन जब मिसी ने मुस्कुराकर बोलना शुरू किया तो लेखिका के अलावा सभी लोग एकदम हैरान हो गए थे। मिसी की मुस्कान वो नहीं थी जो हर किसी का मनोरंजन किया करती थी, बल्कि एक बेहद सदी हुई मुस्कुराहट थी जो सामने वाले को आप पर भरोसा करने पर मजबूर कर देती है। मीटिंग के बाद सभी ग्राहक मिसी से बहुत प्रभावित हुए और ये मीटिंग मिसी के लिए बहुत कामयाब रही। मीटिंग के बाद लेखिका से रहा नहीं गया
और उन्होंने मिसी से पूछ ही लिया कि उसके व्यक्तित्व में आए इस शानदार बदलाव का कारण क्या है। मिसी ने जवाब दिया, मेरी मुस्कुराहट। मिसी ने बताया कि पहले उसके मुस्कुराहट बेहद जल्दी उसके ओठों पर आ जाती थी, जिससे लोग उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन कभी मिसी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। अब उसने अपनी मुस्कान को थोड़ा वक्त देकर अपने चेहरों पर लाना शुरू किया है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यकीन होता है कि हमारे मुस्कुराहट का वास्तव में क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसी घटना से हमारी पहली तकनीक निकलकर सामने आती है और वो ये है कि आपको मुस्कुराते समय हमेशा थोड़ा समय लेना चाहिए। इससे सामने वाला व्यक्ति आपसे मुस्कुराने का उम्मीद करेगा और आपके मुस्कुराने को वाकई में आपके खुशी का इजहार करने का तरीका समझेगा। जल्दबाजी में आए मुस्कुराहट आपके धैर्य में कमी का सूचक है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा।